जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। एक और बड़ा रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए आ चुका है। एनडीए का ये रिक्रूटमेंट है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में रिक्रूटमेंट निकला। ऑल ओवर इंडिया सभी राज्यों के भर्ती इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 10वीं पास वाले भी कर पाएंगे, 12वीं पास वाले कर पाएंगे और ग्रेजुएशन वालों के लिए भी रिक्रूटमेंट निकला है। तो इस रिक्रूटमेंट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को डिटेल से बताने वाले हैं। इस रिक्रूटमेंट के लिए आप कब से लेकर कब तक ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, साथ ही क्या क्या आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एज का क्राइटेरिया आप लोगों का क्या रहने वाला है, इसको लेकर पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। अगर आपका भी सपना है एनडीए में भर्ती होने का, तो ग्रुप सी के पदों पर आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट आ चुका है और एनडीए का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहां से जो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। एनडीए का एक बहुत ही अच्छा मौका आप लोगों के लिए है, डिफेंस में एक साथ आप लोगों को काम करने का एक सुनहरा मौका आप लोगों को मिलने जा रहा है। तो इसको लेकर पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी जाके आप लोगों को ये सारी जानकारी समझ में आने वाले, साथ ही आगे आने वाले इन फ्यूचर हर लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। ये 2023 आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरे मौके आप लोगों के लिए लेके आए। बहुत सारे ऐसे रिक्रूटमेंट थे जो लंबे समय से नहीं आ पाए थे, लेकिन 2023 में बहुत सारे आप लोगों के रिक्रूटमेंट आ चुके हैं और ये 2023 आप लोगों के लिए भर्ती होने का एक बहुत ही बड़ा और अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा चांस आप लोगों को लिए। तो इस रिक्रूटमेंट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन पे चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये डिफेंस जॉब अलर्ट की ऑफिशियल साइट है और इस पे हर छोटे से बड़े रिक्रूटमेंट की जानकारी पूरी डिटेल से आप लोगों को मिल जाती है। नीचे जाते हैं तो आपको एक अलग से बॉक्स भी मिल जाता है लेटेस्ट जॉब, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे एनडीए ग्रुप सी सिविलियन रिक्रूटमेंट 2023। और जैसे ही आप लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे, पूरा का पूरा आप लोगों के सामने पेज ओपन होके आ जाएगा। यहां पर आप पूरी की पूरी डिटेल चेक कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। जी हाँ दोस्तों, यहां पर मैं आपको जूम कर देता हूं। यहां पर आप देख रहे होंगे, मैं पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं, जिसके बाद में आप लोगों को इस रिक्रूटमेंट से जुड़ा एक भी डाउट नहीं रहने वाला है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए खड़कवासला पुणे में ये आप लोगों का रिक्रूटमेंट आया है और यहाँ पर वेरियस सिविलियन ग्रुप सी के पदों पर रिक्रूटमेंट आया जिसमें काफी अलग अलग वैकेंसीज है। टोटल आपकी वैकेंसी दोस्तों 51 पदों पर आप लोगों का रिक्रूटमेंट आया है, जिसमें अगर बात करें तो आपके ऑनलाइन अप्लाई है वो 20 जनवरी से आप लोगों के ऑनलाइन फॉर्म इस रिक्रूटमेंट के शुरू हो जाएंगे। याद रखना 20 जनवरी से आप लोगों के फॉर्म शुरू होंगे और इस रिक्रूटमेंट के लिए आप जरूर अप्लाई करना, क्योंकि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अब यहां पर बात करते हैं कि इस रिक्रूटमेंट में लास्ट डेट आपकी रहेगी, यहां पर आपकी जो ऑनलाइन का जो फॉर्म है वो 31 दिसंबर से ही शुरू हो गया, मतलब अभी जाके भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगी आपकी 20 जनवरी तक आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो नहीं किया तो आज ही जाके इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा। यहां पर देखो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सबके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, अलग अलग वैकेंसीज के बारे में बात करें तो काफी अलग अलग वैकेंसीज आई है। अगर आप लोअर डिविजन क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज है वो 18 से 27 साल होनी चाहिए, जनरल वालों के लिए बता रहा हूं। उसके बाद में आप ओबीसी वाले 3 साल एज को बढ़ा लीजिएगा और एससी एसटी वाले 5 साल एज को बढ़ा लीजिएगा। पेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी 18 से 25 साल होनी चाहिए। ड्रोर्समैन की वैकेंसी है, इसके लिए आपका एज क्राइटेरिया 18 से 27 रहेगा। सिविलियन मोटर ड्राइवर, जी हाँ दोस्तों, जो ड्राइवर रिक्रूटमेंट का इंतजार कर रहे थे उनके लिए भी ड्राइवर की वैकेंसी आ चुकी है, यहां पर भी आपकी एज 18 से 27 साल है। वही बात करें तो कंपोजिशन कम प्रिंटर की भी आपकी एज 18 से 25 रहने वाली है। अगर आप सिनेमा प्रोजेक्शन सेकंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर भी आपकी एज 18 से 25 रहेगी। कुक के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर भी आपकी एज 18 से 25 रहेगी। फायरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर भी आपकी एज 18 से 27 रहेगी। ब्लैक स्मिथ के लिए भी आपकी एज 18 से 25 साल रहेगी। वही यहां पर देख ले, टीए बेकर के लिए भी आपकी एज 18 से 25 और साइकिल रिपेयर की भी 18 से 25 साल रहेगी। एमटीएस ऑफिसर ट्रेनिंग की भी आप लोगों के 18 से 25 रहने वाले, ये आप लोगों का एज का क्रिटेरिया रहेगा। यहां पर आप अलग अलग वैकेंसी देख सकते हैं, इस साइट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां जाके पूरी वैकेंसी भी आप डिटेल से देख सकते हैं। उसके अलावा यहां पर अगर बात करें तो अगर आप लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते तो ये यहां पर आप 12वीं पास होने चाहिए, 12वीं पास होने चाहिए, साथ ही आपको टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए, आप लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप पेंटर के लिए अप्लाई करना चाहते तो यहां पर भी केवल और केवल 12वीं पास रखा गया, साथ ही 2 साल का अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है पेंटर का, वर्क का नॉलेज आप लोगों को,
तो आप पेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही ड्रोड्समैन की बात करें तो ड्रोड्समैन के लिए 12वीं पास वाले सभी अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। सिविलियन मोटर ड्राइवर की बात करें तो यहां पर भी 12वीं पास आप होने चाहिए, उसके साथ ही 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब आपका पास में जो ड्राइविंग लाइसेंस है, हैवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस है, वो 2 साल पुराना होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यही बात करें तो कंपोजिटर कम प्रिंटर की बात करें तो यहां पर भी 12वीं पास होना चाहिए, 2 इयर्स का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप सिनेमा प्रोजेक्शन ग्रेड सेकंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12वीं पास होना चाहिए, साथ ही 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कुक के लिए भी 12वीं पास रखा गया, साथ ही आपको आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपके पास में आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आईटीआई का डिप्लोमा नहीं है तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के भी इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ब्लैक स्मिथ की बात करें तो यहां पर भी 12वीं पास रखा गया है, साथ ही 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रखा गया है। टेक्निकल अटेंडेंट की बात करें तो यहां पर भी आप लोगों के लिए 10वीं पास और आईटीआई रखा गया है। वही बात करें टेक्निकल अटेंडेंट साइकिल रिपेयर की बात करें तो यहां पर भी 10th पास साथ ही आईटीआई आप लोगों के पास में होना चाहिए। मल्टीटास्किंग के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप सिंपल 10वीं पास है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से अगर आपने 10वीं पास की है तो आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फायरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर भी आप 10वीं पास होने चाहिए, साथ ही आपका फिजिकल है वो अच्छा होना चाहिए। उसके साथ ही देखो इस रिक्रूटमेंट के लिए सिलेक्शन के लिए आपकी जो हाइट होगी, मिनिमम अगर हाइट की बात कर लेते हैं, यहां पर आप देख लीजिएगा पीटी पीएचडी फॉर एनडीए पुणे फायरमैन रिक्रूटमेंट। ये स्पेशल फायरमैन का फिजिकल के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि फायरमैन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका फिजिकल है, स्ट्रेंथ है, वो अच्छा होना चाहिए। मिनिमम आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके साथ ही देखो 2.5 सेंटीमीटर हाइट है उसकी छूट दी जाती है एसटी वालों को, बाकी नॉर्मली 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी एससी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वही चेस्ट आपका नॉर्मली 81.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंशन के बाद में, फुलाने के बाद में आपका चेस्ट है वो 85 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। वेट की बात करें तो मिनिमम वेट आप लोगों का 50 kg होना चाहिए। उसके साथ ही यहां पर कैरिंग ए मैन, एक आदमी को आपको अपने कंधे पे बैठा के 63.5 kg यहां पर आप लोगों का 63.5 kg उसका वजन होना चाहिए कम से कम, और 183 मीटर तक आपको उसको लेके जाना। अगर इतना कर लेते हैं आप फायरमैन के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके साथ ही 2.7 मीटर की रेस होगी यहां पर, ठीक है, 2.7 मीटर की यहां पर डिच होगा, एक खड्डा होगा जो आपको कूद के पार करना पड़ेगा। उसके साथ ही क्लाइंबिंग 3 मीटर, वेरिफिकेशन रोल इन यूजिंग हैंड पिट, यहां पर अपने हाथ में लेकर 3 फीट तक आप लोगों को क्लाइंबिंग चलना पड़ेगा। उसके साथ ही अगर यहाँ पर बात करें इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी कुछ और भी अपडेट, तो यहाँ पर अगर सिलेबस की बात करें तो देखो इसमें आप लोगों के वही जीके रहने वाला है, मैथ रहने वाली है, रीजनिंग रहने वाली है, और उसके बाद में आप लोगों का ट्रेड टेस्ट भी होता है। इसमें ट्रेड टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा जो भी बच्चे क्वालिफाई होंगे फिजिकल में पीटी पीएसटी क्वालिफाई करेंगे, उनका सेकंड स्टेज में होगा ट्रेड टेस्ट। जिस भी ट्रेड से आपने अप्लाई किया है, अगर आप एलडीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कलर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग टेस्ट आप लोगों का लिया जाएगा। कुक के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को खाना वगैरह वहां से बनवाया जाएगा, ये आप लोगों का ट्रेड टेस्ट में यहाँ पर होने वाला है। अब अप्लाई की बात करें तो ऑनलाइन अप्लाई आप लोगों का हो चुका है शुरू, अभी जाके आप कर सकते हैं। लास्ट डेट आप लोगों की 20 जनवरी रहने वाली। इसके अलावा यहां से आप डायरेक्टली आपको अप्लाई का लिंक भी मिल जाएगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा, जहां जाके आप पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है वो डिटेल से देख सकते हैं, इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहां से आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिक्रूटमेंट आते हैं जिनका आपको पता नहीं चलता और उस रिक्रूटमेंट में भर्ती होना काफी आसान होता है, तो इसका अपडेट आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल पाता है और इस साइट का लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके साथ ही 2023 में आप लोगों को पता है बहुत सारे ऐसे रिक्रूटमेंट आए हैं जिनमें आप 2023 में सिलेक्शन ले सकते हैं, और आप लोगों के लिए हमारे बैच चल रहे हैं। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप फौजी बैच ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 199 रुपए में। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके सारे सब्जेक्ट आप लोगों के कवर करवाए जा रहे हैं, पीडीएफ नोट्स आपको दी जा रही है, टैक्स सीरीज दी जा रही है, सब कुछ आपको घर बैठे बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर मिल रहा है, और इससे बेहतरीन तैयारी आप लोगों को कहीं नहीं मिल सकती इतने कम पैसों में, ताकि आप घर बैठे आराम से सिलेक्शन ले सके। उसके साथ ही अगर आप सीआईएसएफ फायरमैन का अगर आपने फिजिकल पास कर रखा है तो इसका भी हमारा बैच चल रहा है, लक्ष्य बैच 299 रुपए में, सारी क्लासें, पीडीएफ नोट, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। वही सीआरपीएफ हेड कॉन्स्टेबल की वैकेंसी 4 जनवरी से ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहे, और आपको पता है
21 फरवरी से उनका रिटर्न एग्जामिनेशन भी हो रहा है, इसका भी बैच आ चुका है, वर्दी बैच ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 299 रुपए में। सारे सब्जेक्ट आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाए जा रहे हैं। वही बात करें तो अगर आप ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं सीआई सब में, तो आप AK-47 बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी आपको 299 रुपए में ऑल सब्जेक्ट की क्लासें, पीडीएफ नोट्स, टेक्स्ट सीरीज सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो अभी जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और अभी से अपनी तैयारी को बेहतरीन कर दे और 2023 में आप लोगों का जो सपना है फौज में भर्ती होने का, वो आप लोगों का सपना पूरा हो जाए। तो दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिक्रूटमेंट के साथ में, एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।